कोई मसला नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, रियली आई लव यू। प्यार कोई खेल नहीं है, अगर तुम मुझसे वाकई में प्यार करते हो तो तुम्हें मेरे घर रिश्ता लेके आना पड़ेगा। घर आके बात करनी पड़ेगी, लेकिन क्या बात करूँ, तुम्हारे अबू बात बाद में करते हैं, गोली पहले चलाते हैं, वो तो संडा है संडा। मेरे अबू ऐसे नहीं थे, जब से मेरी अम्मी फोत हुई है ना तो उनकी ऐसी हालत होगी। अच्छा, ये तुम्हारी अम्मी के फोत होने पे ऐसे हुए हैं? हाँ। मैंने समझा तुम्हारे पैदा होने पे ऐसे हो। क्या मतलब? बताओ आप कहो कैसी बात। अच्छा थोड़ा सा टीला तो करो। ये लो। हाँ आप बोलो। बोलो बोलो क्या? इधर थोड़ा वजन ज्यादा हो गया इसकी वजह। ठीक है आप बोलो। मैं वो खुद ही आ जाऊंगा, अकेले ही आ जाऊंगा। ठीक है तुम जाओ। That's a good boy. Okay. इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों फिरते हो तुम सर्दियों की शामों में। कोई भी नहीं है, बेस्ती वो होती है जो कोई देख ले, ना देखे कर पेटो तो निकलो। तेरे किसी ने देखा नहीं है वरना सारी पोजीशन। क्या कर रहे हो? क्या हुआ यार, कभी खूबसूरत लड़का नहीं देखा? खूबसूरत खूबसूरत लड़का क्या? नहीं यार, मेरा ये मतलब है कि खूबसूरत लड़का क्या तुम्हारी पर्सनैलिटी है। वाह क्या बाल है यार, क्या फेस है, क्या नाक है। अगर कान थोड़े से लंबे हो ना तुझमें और गद्दे में कोई फर्क ना नजर आए। क्या मतलब है तेरा यार? मेरा मतलब है तुम तो बिल्कुल अजय देवगन लग रहे हो, दिल जले फिल्म की तरह। यार वो तो मैं हूँ। क्या ये है? ये कौन है? ओ यार मैं हूँ ना अपना हीरो। आए ओए हीरो, वाह वाह, 4,000 रुपया दे के कम लेने वाले हीरो, क्या बात है, वाह क्या उड़िया बनाए हुए है, नजूमी लग रही हो। वाह ऊपर से देखो जैसे किसी के घर में लड़का पैदा होता है तो जाके गाने गाते हैं, हाय वे बाजी, कैसे कैसे उड़िया बनाए हुए हैं हीरो। ऐसे तुम क्या समझते हो, ये 4 बाल रख के और 70 रुपया की ऐनक लगा के पोटवार प्लस में काम मिलेगा? जफर साहब तुम्हें काम देंगे, कमर तुम्हें काम देगा, 450 की पेंट, 250 की शर्ट, फिर अच्छा अच्छा तार के, अच्छा अच्छा अच्छा, और तुम क्या हो लंडन आया है? बुड हो गया, मन गया यार आपको, मन गया हूँ, क्या बात है, सत्यानाश करके रख दिया। बुढ़िया अपना देखे, अपना बुढ़िया देखे अपना। हाँ हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ। देखो यार परेशान हो गया, कल इसने अजय देवगन की फिल्म देख ली थी दिल जले, इसलिए ऐसा हो लिया बना के रखा। ओ अच्छा अच्छा यार, तुम वो माइंड ना करना, बस जरा वैसे ही मैं हो गया। अच्छा यार कोई बात नहीं, लेकिन ये आपने क्या हो गया बनाया हुआ है? बस यार मुझे भी इश्क का बुखार चढ़ गया है। वो नहीं है चाचा खैरू, उसकी लड़की से मुझे हो गया है इश्क, अब उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ यार। मैं शादी करूँगा तो उसी से ही करूँगा। ओए होए 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 होए, उसके पास तो हर वक्त पिस्टल होता है, गोली मार देगा गोली। गोली मार गया तो फिर क्या होगा, कोई मसला नहीं, मैं फिर भी उसी के साथ ही शादी करूँगा, नेवर माइंड। आएगी 7 घंटे हो गए मुझे खड़े हुए वेट कर रहा हूँ।
हुआ तुम्हारा सर? कहाँ दफा होगी थी, मैं कितनी देर से वेट कर रहा हूँ, किस के हूँ रगड़ रगड़ के चहल कभी कर 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 के। मैं अपने दोस्त के घर गई हुई थी ना, देर हो गई। कौन सी दोस्त? मुछो वाली तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, मेरी स्कूल फेलो, कोके वाली, कोके वाली। अच्छा, कोके वाली दोस्त, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पता नहीं मैं वेट जहाँ करूँ, तुम्हें जल्दी आना नहीं आना, मैं मर जाता तो। बस बहुत हो गई है, अब मुझसे सब्र नहीं होता। बस मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी न किसी को तुम्हारे घर भेज ही दूँ। मेरे घर आज किसी को मत भेजना, मेरे अबू नहीं है, वो गुजर खान गए हुए हैं। तुम्हारे अबू घर पे नहीं है? तुम घर में अकेली हो? अकेली हो क्या मतलब? अकेली हूँ मैं, तुम्हारी नीयत समझ गई हूँ, तुम्हारी नीयत है ही खराब। मुझे पहले ही पता था तुम मेरे बारे में ऐसे ही सोच सकते। फिर हुई बात, फिर हुई बात। मेरा अब है, तुम जानो। ये लड़की कौन है? आपका नजर ठीक हो गया? हाँ हाँ, अभी ऑपरेशन किया है, बस थोड़ा सा फोकस आउट है। अच्छा, मैं नजर नहीं आ रहा हूँ और वो लड़की नजर आ रहा है। ओए, मैं कहता हूँ ये लड़की कौन है? ओ चाचा, ये मेरी खाला की बेटी है। नहीं नहीं, शहर से आई है ना गांव में, इसलिए उसको मैं जरा वो रास्ता बता रहा था, कैसे कैसे गली है, किधर किधर जाना है, किन लोगों से बचना है, अंधों से भी बचना है। क्या मतलब? मेरा मतलब जी, घर का पता बता रहा था। जी जी जी। बेवकूफ गधे, बेशरम, खुद जाते और उसको घर का पता बताते। अच्छा जी लाभ, अच्छा जी, अच्छा जी, जाते हो या मारू गोली? क्या है बताओ तो सही, हुआ क्या? शुक्र है उसकी नजर कमजोर है, वरना सीधा फेर मेरे मथे में लगता। सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ। बैठो यार, बैठो। वरना तो वो सीधी गोली मार देता। वैसे चाचू खैर में आज तक किसी को मारा भी है जब वैसे ही फायर करके लोगों को डराता है? यार लोग कहते हैं वो तीन बंदे मार चुका है। मारा उसने मुझे भी, सीधा ही फायर था, लेकिन मैं अपने कद छोटा होने की वजह से बच गया हूँ। इधर से फायर गुजरे, जम करना हूँ, जम करना, नजर उसको भी नहीं आता फायर गया किधर, क्योंकि लाइट सा वो अंधा भी है। यार आखिर हुआ क्या है? हमें बताओ तो सही, हुआ क्या है? आप लोगों को मेरे चेहरे से परेशानी, निदामत या अफसोस नजर आने से अंदाजा नहीं हो रहा कि मेरे क्या हुआ है, मेरे साथ मुझे क्या हुआ है। यार वो कितने दिन हो गए हैं, वो मुझे मिलने नहीं आई यार, वो मेरी शगुफ्ता मुझे मिलने नहीं आई यार। एक आइडिया है मेरे पास। ओ वेरी गुड यार।
हाँ जी। ए, है, है, क्या? मुझे देखो नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम मुझे बताओ ये कौन है? ये जो है ना ये, हाँ ये है, है, क्या ये यहाँ पे क्यों आई है? कौन है ये? मेरा दोस्त है ना। हाँ उसकी वाइफ है। हाँ उसकी छोटी बहन है। अच्छा उसका पुत्र है। हाँ ये उसकी इसकी उसकी ये। हाँ मुझे तुम सीधे तो कौन है? ये मेरी बीवी है। क्या? मेरा दोस्त है ना। हाँ ये उसकी बीवी है। ये तुम्हारे दोस्त की बीवी है तो ये यहाँ पे क्या कर रही है? तुम इतने दिनों से नजर नहीं आ रही थी ना, इसलिए मैंने कहा चलो अपनी भाभी को साथ भेजो, तुमसे मुलाकात भी कर लूं और रिश्ते की बात भी कर लूं। पहले बता देना। जी सलाम अलैकुम। शुक्रिया। किसने बताया? अस्सलाम वालेकुम। कौन है ये? ये जी ये मेरी बहन है जी। बहन? हाँ जी बहन। मैंने तो तुमको देखा ही नहीं। असल में मेरा शोर अरबी था, अब वो उसकी डेथ हो गई और मैं पाकिस्तान वापस आ गई। इनका शोर दुबई में था। नहीं सऊदी में। दुबई में था। सऊदी में। नहीं दुबई में। अरे वो दुबई से सऊदीया शिफ्ट हुआ और मर गया, बात खत्म। अब वो था तो अरबी ना। अब ये पाकिस्तान नहीं है। वो मैं यहाँ अपने भाई के लिए शगुफ्ता का रिश्ता मांगने आई। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? बिल्कुल पक्का समझो। तो हम चलते हैं। ठीक है, फूल पे बात होगी। ठीक है सुसर जी, इसको बिल्कुल आप रिश्ता पक। नो पाए। ठीक है ठीक है। चले मैं आपका। अबा जी क्या हुआ है? इस लड़की ने मेरे दिल पे सीधा तीर मारा। अबा जी ये पानी पी ले। मुझे पानी की जरूरत नहीं है। अच्छा। बंद कर दो ये लाइटें, अंधेरा कर दो। खामोशी खामोशी चाहता हूँ मैं। मेरा अबू तो सस्ते दौर का शाहरुख खान बन गया। अच्छा अबा जी। हाय लड़की, हाय मेरा दिल। चलो ना बाबू, उस बुढ़े फाफड़ को फोन करो ना, जो तुम्हारी तरफ बड़ी आंखें भर भर के देख रहा है, ऐसे ऐसे करके। मालिक उसको नजर भी नहीं आता, फिर भी वो उसे देख रहा था। करो जरा फोन करो। क्या मतलब? और तुम्हारे फोन करने से मेरा जरा काम सुधर जाएगा ना। जी चाचा जी, फिर हम कब आए जी? रिश्ता अगर आपको मंजूर है तो निकाह पढ़वाने के लिए हम कब आए? अच्छा मुझे 3 दिन का टाइम दे दे। 2-3 दिन? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमाइला, नईम की बहन। फिर कब आए हम? बल्कि आप अभी आ जाओ। आ जी, निकाह करो और बस शादी को पक्का ही समझो। वो कह रहे आज ही आ जाओ। अंत करो। कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, देखा कैसे छड़की बुढ़ा खुश होता। मुझे कह रहा था 3-4 दिनों के बाद आना और इनको कह रहा कि कल ही आ जाओ। चले जी, दुआ
दुआ कर लेते हैं। क्यों जी, क्या हुआ? आपकी शादी होगी है। अच्छा अच्छा। सारी रसूमात बड़े अच्छे तरीके से होगी है। अब हमें इजाजत दे रुख्सती के लिए। ठहरो ठहरो, बैठो बैठो। मौलवी साहब, जी जी, एक निकाह और भी पढ़वाए ना। किसका? मेरा और सुमैरा का। तो आपका दिमाग भी खराब हो गया। अरे क्या हुआ मेरे दिमाग को? सुमैरा मेरी बीवी है। तुम्हारी बीवी है? जी। तो फिर ये शादी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती शादी? इन्होंने कहा पढ़ाया, इन्होंने कहा है 3 दफा हाँ हाँ हाँ, और मैंने कहा कबूल है कबूल है कबूल है। ये शरई तौर पे मेरी बीवी, मैं शरई तौर पे इसका खामद। अब मियां बीवी हैं। हाँ जी, इनका मैंने निकाह पढ़ा दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे साथ दगा और धोखा हुआ। हाँ जी।